तो फिलहाल सबको ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है, तो समाज में बहुत ही उनके लिए तफलीज हो रही थी, इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा और सामना भी करना पड़ेगा, सरकार से लड़ना भी पड़ेगा और एक होकर सबका साथ देना पड़ेगा, तभी तभी नौकरी मिलेंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा इश्यू हो रहा था जो लोग फिलहाल देखिए, अभी 7 बजे भोगा बीबी कचहरी में है, क्योंकि तोतेर डबल ए और तोतेरे की एंट्री के लिए सर्टिफिकेट लेना है। तो फिलहाल कितनी मेहनत है, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी कचहरियों में शाम के 7-8 बजे तक बैठे रहते हैं लोग। पहली बार आए हैं ना ये मेहमान हमारे घर, ये खैर कवासी 4 लोग शादी होने के बाद, शादी में भी नहीं, कोरोना क्वारंटाइन थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। तो तुम कैसे होंगे, मस्त और मजे में, तुम्हारा भाई भी मस्त और मजे में। तो फिलहाल सुबह सुबह ही मैं आज किचन में से व्लॉग स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि गुड्डू की हेल्प करना मुझे वो बोल रही है, सुबह में सो रहा है तब से, कि गुड्डू हेल्प कर मेरी नाश्ता बनाने में। क्या बना रही, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैं गैस नीचे करके खाना बना रही हूं। क्यों, क्या हुआ तुझे? अच्छा नहीं लगा, सिर में दर्द हो रहा था सुबह सुबह, चक्कर आ रहा है। वो कल से वो पेपर पोट अलावा क्या शाम को पिया था ना कल वाले व्लॉग में, तब से वो बोल रही कि मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, गले में दुख रहा है, सिर दुख रहा है। तो घरेलू उपाय जिसको याद है वो बताओ कमेंट सेक्शन में। और चाय भी हमारी बन रही है, तो क्या बनाओ गुड्डू, मैं चाय बना दूं? ठीक है, चल रहा है ब्रेकफास्ट में गुड्डू, आलू पराठा। क्या? आलू पराठा। आलू पराठा बना रही है गुड्डू। देखिए ये रहा मावा बटेटे का, और यहाँ बन रहे, और मेरा काम है चाय बनाना। चलो मैं चाय बनाता हूँ, पहले फुल गैस किया जाए। तो पराठे पे बटर और चटनी ऐसे लगा लगा के खा रहे हैं हम, और साथ में चाय, ये पराठे और गुड्डू गरम गरम पराठा बना रही है। आई लो यार, विलेज लाइफ बहुत ही मजा आ रहा है गुड्डू। क्या मजा आ रहा है खाने में, जिंदगी में खाना ही पसंद है हमें। तो फिलहाल तुम्हारा भाई नाथ होके जस्ट रेडी, और अभी जा रहे हैं हम कमाट। तो देखिए हमारी गाड़ी भी इधर ही पड़ी है, सुबह से बिचारी को कहीं लेके नहीं गए, भी डेली रोटिंग करेगा, डेली राइडिंग करेंगे। और गुड्डू ये देखिए, ये क्या दे रही है हमें, क्या इस थली में? हेलो, गेहूँ लेके जाने पड़ेगा हमें घंटी पे, और गेहूँ से हम क्या, उसका क्या करना है, गेहूँ का रोटियां बनाने के लिए, गेहूँ मिक्सिंग फेड़ाने के लिए, हमारे गुजराती में बोले तो खंटी ये देना पड़ेगा। कौन सी खंटी है, कमाट वाली, टिटोड़ वाली, पानोड़ो डूंगर गांव वाली? टिटोड़ दे देंगे, ठीक है। गौ है ना, क्या इसको क्या करने के बोलो, फेड़ने के लिए या क्या बोलो, पीसने का है, पीसने का है, गौ है। चलो तो चलते हैं मैं और विशु कमाट, और आज सोमवार भी हाट भी है, तो बहुत ही मजा आएगा। गुड्डू को हम ड्रॉप करके जा रहे हैं, उसको लेके नहीं जा रहे, तो क्या करेगी तू अकेले घर? मुझे बहुत काम है उसको। चलो तो हम दोनों चलते हैं वहां जाके। फिलहाल हम आए कमाट, तो प्रॉपरली आज हाट है, सोमवार के दिन यहाँ हाट लगता है हमारे कमाट के अंदर। तो फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पूरी गली के अंदर जो वास बम्बू में से जो हाथ से बनाते हैं ना, वही सब चीज़ कुछ यहाँ मिलेगा। तो मैं सबको एक्सप्लोर करने की ट्राई करूँगा, और जो भी कुछ बन रहा है उसकी मैक्सिमम मिनिमम प्राइस क्या है, लोग कितने दिन में तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ बनाऊँगा। और जिसको भी चाहिए वो होलसेल में आके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ सारे लोग बैठे वो सब गाँव में से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं कुछ उसके बारे में आपको दिखाता हूँ, और कुछ हम बड़ा सूट वगैरह मिलाता हूँ, और प्राइस सबकी डिटेल्स में मैं आप सबको बताता हूँ। किला से आना हाँ, मैं हम भी गेहूँ तो वास डूंगर काम में अपना ना लोग सब हमारे आदिवासी एरिया में जो गांव आए, इसमें से लोग अपने हाथों में से ये वास में बम्बों में से बनाते हैं। फिलहाल अभी बजे है 5,
नहीं 6 बज गए ना, 6 बजने आए और अभी तक हम कमाट में ही है, क्योंकि आज इतना सारा लोड, इतना सारा काम था ना, अभी भी मैं मामलेदार कचहरी में ही हूँ। तो फिलहाल क्या है कि यहाँ सभी जो लोग अभी जो कांस्टेबल में लगे, फॉरेस्ट में लगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाला है, तो कचहरी में से पूरे कागजात ले रहे हैं, लेकिन किसी को सरनेम में किसी में किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं भी राहुल ब्रो के साथ ही था, तो अभी भी यहाँ चेकिंग ही हो रहा है, इन ब्रोनों का भी काम अटका हुआ है, तो कब से वो लोग काम ही कर रहे हैं। तो अब थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और पूरे दिन में इसके साथ था, अभी इसको कैमरा लेके बुलाया, वो रॉकी भर के खाए थे, वहाँ खा के वहाँ ही सो रहे थे पूरे दिन, और हमने उसे वहाँ ही रख दिया था कैमरा। तो फिलहाल अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मैं यहाँ 2-3 बंदे भी होंगे जो पुलिस में लग गए, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इश्यू वाला काम है, तो मैं सबको मिलाने की कोशिश भी करूँगा, बातचीत करूँगा। और अभी तक कचहरी में भी हम घूम रहे हैं शाम 6 बजे तक, इसलिए ऐसा काम भी कुछ आ जाता है ना, इसलिए मैं बिजी रहता हूँ। तो चलो मिलाता हूँ बाद। फिलहाल अभी उसका डॉक्यूमेंट में क्या इश्यू था ब्रो, पूरे दिन फाइल लेके घूम रहा है, और इसका इश्यू अभी सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में, और राठवा लिखा है आता है नहीं आता है, और प्लस हमारा कोली राठवा चल ही रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ही दिक्कत हो रही है, विश्लेषण समिति रिजेक्ट भी कर रही है। तो फिलहाल ये काम जल्दी से हो जाए, बाद में यहीं से निकलेंगे, आज पूरे दिन ही निकल गया, तो शाम के 6 बजे। अब देखते हैं, जब भी पूरे 6:05 भी हो गई, लेकिन अच्छा है कि पहचान है, तो कर्मचारी भी अभी घर नहीं गए और काम करके दे रहे हैं, तो चलो वो काम निपटाते हैं, बाद में यहीं से निकलेंगे। फिलहाल कैसा लग रहा है वो आपको, कैसा अंदर का काम कैसा, बहुत हार्ड है ना सर? इतने छोटे छोटे डॉक्यूमेंट, यानी कि गुजराती में रस्वय और दीर्घ, यानी कि सी लिखना है तो डबल ई आई हो जाता है ना, तभी भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि विश्लेषण समिति में काफ़ी अभी प्रेशर में सब जो आदिवासी लोग हैं, जो नौकरी में हमारे कोली राठों का बड़ा इश्यू चल रहा है, तो शायद इनके लिए ये ट्रेंड है। लेकिन ये खैर का गाँव वाले ना, उनका सबका पुराने रिकॉर्ड में राठवा ही लिखा है, तो उनका किस कहीं भी इश्यू नहीं हो रहा है, वो सबको जॉब मिल रही है। तो फिलहाल सबको ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है, तो समाज में बहुत ही उनके लिए तफलीज हो रही थी, इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा और सामना भी करना पड़ेगा, सरकार से लड़ना भी पड़ेगा, और एक होकर सबका साथ देना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा इश्यू हो रहा था, जो लोग समाज के आगेवान कार्यकर्ता है, समाज के जो कर रहे हैं कब से ये कोली राठवा का इश्यू, तो उसको सपोर्ट किया जाए, सब पर सपोर्ट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो, तो मैं वो सब अंदर है जो सब पुलिस में पास हुए हैं, तो उनको मैं बोलूँगा और इनका रिव्यू क्या है वो आपको बताऊँगा। तो फाइनली राहुल अभी एक का हक पत्र रहा है, वो कल सुबह निकलेगा। कितना डॉक्यूमेंट बनाने थे, 6 बज गए भाई, 6:30 होने आए, ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन है ना, तीसरा काम पहले नहीं आए थे, तो पहले के दो वीक से घूम ही रहे। अच्छा है कि यहाँ थोड़े कुछ अच्छे और फिर काम पहचान कराते ऐसे वैसे करके हो जाता है, वरना बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। अच्छा चलो, इसका तो हो गया अभी फ्रेंड। तो फिलहाल हमारे ये रवि ब्रो से सब काम भाई, वो हमें सजेस्ट कर रहा है ऐसे करो, यहाँ कागज़ बनाओ, ये कागज़ बनाओ, तो उसके हिसाब से सब काम जल्दी हो रहा है। फिलहाल देखिए, अभी 7 बजे है, लोग अभी भी कचहरी में है, क्योंकि तोतेर डबल ए और तोतेर की एंट्री के लिए सर्टिफिकेट लेना है। तो फिलहाल कितनी मेहनत है, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी कचहरी में शाम के 7-8 बजे तक बैठे रहते हैं लोग एक काम के लिए, लेकिन यहाँ जो सर है वो भी अच्छा है कि इतना टाइम हो गया तब भी काम करके दे रहा है, तो हमें उसका भी आभार मानना चाहिए। 1 hour later. Well guys, अभी बजे समथिंग 8 और मैं घर आ गया कमाट से, और काफ़ी लेट हो गया आज कमाट में हमारा। और फिलहाल क्या है कि राहुल लोग भी आए थे बड़ौड़ा से, उनका काम कब से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो लेट हो गया, फिर मैंने बोला कि मेरे घर चले आओ और उसके सबका खाना बना देगी गुड्डू। तो आज यहाँ डिनर का प्लान रखा है उन सबका, और रॉकी कौशिक भी अभी आ रहा है, तो फिलहाल मैं मिलाता हूँ इन लोगों को। तो फिलहाल देखिए कैसा है, बस हमारे घर मेहमान बुलाए हैं पहली बार खेरकावासी को सबको। कैसा है राहुल ब्रो, एक नंबर, क्या काम हो गया खत्म? बस मारिए हमारा अजय ब्रो, कैसा है? कांग्रेचुलेशन ब्रो आपको, थैंक यू, आप मिलते नहीं इसलिए। तो कैसा रहा आज का दिन, आपने सर्टिफिकेट निकालने में कैसा गया आपका दिन? बहुत अच्छा रहा, पिंटू भाई ने हमारा बहुत बढ़िया काम कर दिया। पिंटू भाई हमेशा लोगों के लिए ही, लोगों ने ही बनाया है, तो लोगों का काम ही करते रहते, पर ऐसे लोग चाहिए हमारी राजनीति में, है ना, राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है। एक तो यंगस्टर है, तुरंत फोन किया और 10 मिनट में आ गया, 10 मिनट पहुँच गया है ना, बहुत ही अच्छी बड़ी बात है। और ये इश्यू आपका जो सिलेक्शन में है, इसमें कौन सा ये सर्टिफिकेट आप निकाल रहे हैं? तोतेरे और तोतेर डबल ए और हक पत्र, हाँ ओके, उसके एंट्री होनी चाहिए, होनी चाहिए, हाँ ये क्या माँ, तो विश्लेषण समिति काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, तो ये तोतेरे और तोतेर डबल ए का बड़ा इश्यू रहता है, इसलिए ये निकल गया राहुल ब्रो का, है ना? बराबर, क्या बाकी रहा
तो आप थोड़ी देर बैठो और गुड्डू खाना बना रही है, बाद में खाते है सब मिल के। क्या कर रही है गुड्डू? रोटियां बना रही है। क्या क्या बना रही है? रोटी सब्जी दाल चावल। क्या सुना ही नहीं देता क्या? नहीं कम सुनाता। माइक आगे लाओ। बोलो बोलो क्या क्या बनाया? रोटी सब्जी दाल चावल। रोटी सब्जी दाल चावल, ओके ठीक है। तो थैंक यू गुड्डू खाना बनाने के लिए। बहुत बाकी है। A few minutes later. फिलहाल तो खाना लग गया हमारा कंप्लीट। ये ब्रो लेट आया, कौशिक कैसा है? बढ़िया ठीक है। तो गुड्डू ने अच्छा बनाया है सबके लिए और ये सूटर भी आ गया। तू किधर से आया? तू मामलेदार में था ही नहीं? और ये पार्टी देने के लिए थैंक यू। किसको? किसकी पार्टी? तुमको थैंक यू बोल दो। और कोई ठीक है। तो गुड्डू तू पार्टी किसकी दे रही है? सबको बता दे, अनाउंसमेंट कर दे। पहली बार आया है ना ये मेहमान हमारे घर, ये खैर कवासी चार लोग। शादी होने के बाद शादी में भी नहीं, कोरोना क्वारंटाइन थे सब। शादी में भी नहीं आया इसलिए पार्टी नहीं, इसलिए अभी पार्टी गुड्डू दे रही है सबको। तो चलो खाना खाते हैं। और गुड्डू भाभी बहुत अच्छा खाना बना के, क्या क्या बना लिया? बहुत ही अच्छा है, पापड़ छाछ दाल भात साग बहुत कुछ है, है ना? दो दो बाइट खाएंगे तो पेट हो जाएगा, है ना? ठीक है चलो, तो अच्छे से खाना खाते हैं, बाद में मिलते हैं। फिलहाल हमारा खाना कंप्लीट हो गया और ये लोग अब घर जा रहे हैं। मिलेंगे ब्रो, चलो कल फिर से मिलेंगे। कल मिलेंगे गन्नू भाई के घर से। चलो थैंक यू फॉर डिनर। आना जरूर, हां घर जाके एडिट कल सुबह 8 बजे अपलोड करूंगा। अजय कैसा रहा, कैसा लगा? बढ़िया। हमारा घर आना, तू तो आता रहता है। ठीक है ठीक है। तो चलो अभी हमें गुड्डू और उनकी कोई दादी थोड़ी बीमार है तो वहाँ जा रहे हैं, इमरजेंसी कॉल आया तो ये लोग को भी जाना हुआ, वरना इधर ही बैठे। फिलहाल हम वहाँ जाके आ गए। गुड्डू की दादी थी, वो थोड़ी उनकी मम्मा के घर की दादी है ना, वो थोड़ी तबीयत उसकी ख़राब है। मिनके वो काफ़ी उम्र है उनकी, 80-90 साल है, तो अभी सीरियस है थोड़ी। तो हम जाके मिल के आए और वो बात नहीं कर रही और खाया भी नहीं है ऐसा बोल रहे, तो फिलहाल थोड़े टेंशन में आ गए, है ना गुड्डू? क्योंकि बहुत अच्छी थी वो दादी, गुड्डू को बहुत याद प्यार करती थी। है बताए। तो चलो अब ये व्लॉग यहीं से एंड करते हैं। और वो गेस्ट आए थे घर, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, खाना खाया साथ में, फिर वो चले भी गए। अब आज का पूरा दिन इतना बिजी रहा है यार, गवर्नमेंट कचहरियों में बहुत ही बड़ा मामला चल रहा है, तो वो सब बात में भी कहीं बाद में बात करेंगे। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जोहार के लिए, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। जोहार आदिवासी, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।